इलाहाबाद जिले के करछना थाना क्षेत्र के करेहा गांव के समीप अनियंत्रित सफारी गाड़ी ने बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही बच्चे की दर्दनाक मौत। बता दें कि मामला करेहा गांव का है, जहां दर्दनाक हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हादसे के घंटों बाद पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम और गुस्साए लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का कहना था कि संबंधित थाना पुलिस को लगभग एक घंटे से फोन किया जा रहा था, किसी का फोन नहीं लगा। हालांकि 100 नंबर पर सूचना दी गई, लेकिन काफी देर बाद 100 नंबर पहुंची, जिससे गुस्साए लोगों ने 100 नंबर पर मौजूद सिपाहियों को वापस भेज दिया। बाद में करछना गुरपुर औद्योगिक कर्मा चौकी सहित कई थानों की फोर्स फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची। तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसको लेकर करछना से गोहनिया मार्ग को जाम कर दिया गया। मौके पर एसडीएम करछना अर्पित गुप्ता व तहसीलदार भारी फोर्स के साथ पहुंचे। एसडीएम के पहुंचते ही लोगों ने कहा कि जब तक जिले से कोई अधिकारी नहीं आ जाता, तब तक लाश को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। एफआईआर लिखी जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैला रहा। लगभग दो घंटे बाद एसपी जमुना पार दीपेंद्र नाथ चौधरी ने मौके पर पहुंचकर घर वालों से बातचीत के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाम खुलवाया गया। एसपी जमुना पार दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मृतक फरहान पुत्र अफरोज की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज थाना करछना के ग्राम करेहा में एक 8 वर्ष के बच्चे की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों ने जाम भी लगाया था। और इसमें जो समस्या है, इसमें तत्काल हमारे एसडीएम करछना साहब और थाने के स्थानीय फोर्स आई थी और आप लोगों ने बातचीत कर लिया है, और इसमें निर्माण सारे के परिजनों को जो उचित मदद है वो भी की जाएगी और शव को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एफआईआर दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।